नमस्कार, अहां सब गोटा के स्वागत है नई उम्मीद में और हम छी निर्भयकर। समाज में युवा की भूमिका की होय छे सब गोटा जाने छी, क्योंकि युवा ही पूरे देश के शक्ति होय छे। यदि युवा चाहते तो केहन से केहन परिवर्तन भ सके छे, आंदोलन के थ्रू और कई माध्यम से देश के विकास कर सके छे। तो यह क्रम में आज हमारा साथ बातचीत कर ले चाहे सामाजिक अभियंता एवं विद्यार्थी नेता देव नारायण परमानी जी, साथ में नेपाल विद्यार्थी संघ सप्तरी के सचिव छथिन विजय कुमार यादव जी। तो चलो हिनका से मिले छी, जानकारी ले छी की अवस्था छी नेपाल में युवा के और केना ई आगे बढ़ते, केना ई आगे बढ़ते, तमाम मुद्दा पर इन दो गोटा से बात करी। देव परमानी जी, अपने के बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद व्यक्तिगत और हमरा सबके संगठन पनेरासोबियो हमरा सबके संपूर्ण युवा के तरफ से, सप्तरी के युवा के तरफ से, तमाम मधेश के युवा के तरफ से, नेपाली विद्यार्थी आंदोलन के तरफ से, युवा आंदोलन के तरफ से अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करी छी जे अहाँ सब हमरो सबके युवा पंक्ति के विकास के लिए, युवा पंक्ति के ऊर्जा के लिए अहाँ सब जे एकटा प्रोग्राम में हमरा सबके बोलेलहुँ, ताहि के लिए हमरा सब युवा तरफ से धन्यवाद आभार प्रकट करी। धन्यवाद विजय जी, अपने का सेहो स्वागत छै कार्यक्रम में। धन्यवाद जे आए हम ई मधेश के युवा, दू नंबर प्रदेश के युवा के एकटा अहाँ जे अपन कार्यक्रम में आन के युवा के बात ई प्रदेश नंबर दुई और ई मधेश में सप्तरी वासी में जे राखे के मौका दिलिए, मुड़ी मुड़ी धन्यवाद या। प्रदेश दुई के बात कहल जाए प्रमाणी जी, की अवस्था छे युवा के, कई हिसाब से प्रगति कर रहल छे अपन युवा? प्रदेश दुई के विषय में यदि लेबे तो एना अखन का जे छे से युवा जमात जे नेपाल के परिवेश छे, बेरोजगार के अवस्था और प्रदेश नंबर दुई में वास्तव में उद्योग धंधा के अभाव, रोजगार मूलक जे छे से काम काज के अभाव छे, तो अखन जे छे से ई संघीयता जे छे से भरखर जन्म लेने छे, एक जे छे से विभिन्न पालन पोषण करे के लिए विभिन्न वातावरण बनवे के क्रम में भी दल सब, हमरा सबके दल या तका सरकार विभिन्न तरीका से अपन अपन तरीका से लागल छे, लेकिन उतने से पुगे वाला अवस्था नहीं छे। एकरा जे छे से एतका युवा शक्ति भी अपना आप के ई प्रदेश, हमरा सबके प्रदेश छी, प्रदेश के बनबे पड़ते, समाज हमरा सबके समाज छी, समाज के बनबे पड़ते और परिवर्तन के लेल सबसे पहले शुरुआत अपने ल से करे पड़ते, युवा के अपना से शुरू करे पड़ते। अखन का युवा जमात जे किसिम से छे, स्कूल जाय ले छोड़ देलके, कैंपस जाय ले छोड़ देलके, एकटा एनवायरमेंट अपने आप में शिक्षा के व्यापार के अवस्था में ले जाय वाला काम शुरू कर रहल छे, घरे बैठल जे छे से सर्टिफिकेट के व्यापारीकरण भ रहल छे, शिक्षा जे छे से सरकारी शिक्षालय सब में विद्यार्थी के उपस्थिति कम, निजी शिक्षालय सब में विद्यार्थी के उपस्थिति बेसी, तकर बाद सामूहिकीकरण के अवस्था कम, निजी कमाई के तरफ में बेसी ध्यान, व्यापारियों सब जे छे से आगे तो सब आके प्रदेश नंबर दुई में लगानी कम करके एत बरू घर छे सस्ता में रहे छे, मैनेजमेंट करे छे, लेकिन एत का लगानी जे छे से अन्य प्रदेश में जाके करे छे। ये अवस्था सब इतना के सामाजिक एनवायरमेंट कमजोर के कारण जे छे से भ रहल छे। एत जे छे से युवा सब कनिये जे किस्म से युवा सब के राजनीतिक आंदोलन भी जे छे से युवा सब के जमात के जे किस्म से ऊर्जा घटेलकै यऽ, ओकर बहुते कारण सब छै। अखन जे छै से युवा शक्ति के जे किस्म से कमजोर करके आब तहियो भी अखन के जे एकटा सरकार उपलब्धिजनक बात सब करलकै यऽ, युवा के अहाँके प्रमाण पत्र के आधार में धीतो राखि के ऋण देबै से कहि के निर्णयो करलकै, कतौ कतौ कोनो कोनो बैंक लागू करलकै, लेकिन एकरा समग्र रूप से जे किस्म से ऊर्जा सील हिसाब से लागू होना चाहिए लागू नहीं भले, यद्यपि कतेक लोन लगे उ लोन के दुरुपयोगो भ गेले, कतेक हम सुनो चर्चा लोन के, फिर हमरा के समाज में युवा के जे अखन एक जन लहर छे, बहुते युवा सब कुलत में फंस रहल छे। अब अहाँ हमें देखे छे जे की कहे छे दवाई दुकान खोले के लेल की कहे छे
लाइसेंस लिए पड़े छे, पढ़े पड़े छे, सारा चीज करे पड़े छे, दारू दुकान खोले के लिए कोनो प्रक्रिया नहीं पुगे छे, एकटा सिस्टम में एकटा फाइल बनबे छे, जी जी 5 दिन में जे छे से तैयार भए छे, दारू दुकान का अहाँ लाइसेंस खोल लेबे, दारू दुकान खुल जाए छे। जी अपने के की विचार छे विजय जी, की युवा के की अवस्था छे अखन का परिवेश में? निर्वेश जी अखन तो बहुत मतलब सोचे वाला गहन विषय जी, जी जे आए युवा का परिस्थिति दू नंबर प्रदेश में कि नेपाल के देश भर में परिस्थिति एहन गंभीर भए गेल छे, जे युवा हम लोग देखने रहिए जे खेलकूद से जुटे, मतलब शिक्षा में एते ध्यान दे, राजनीतिक प्रति ध्यान दे, वो आई के समय एहन एले, संघ्यता कहे छे संघ्यता छे, मगर एहन परिस्थिति आनि देने छे, आई न अनुशासन छे कोनो कैंपस में, न विद्यार्थी में अनुशासन छे, न अहाँ के सरकारी विद्यालय में कोनो मतलब अनुशासन, एक टा है पढ़ाई का सब ठमा राजनीतिकरण का, एक टा टीचर में दुनियादारी में दै कर जे एक टा मतलब सब कुलक तरफ ले जे ओकरा खेलकूद में लगना चाहिए, विद्यार्थी विद्यार्थी के जे एक टा मांग छे पढ़ाई छे, जे एक टा उद्यमशीलता में जाना चाहिए, मगर उ सब सब खत्म भए गेल छथिन। हम अखन वर्तमान सरकार के ई कहे चाहे छे जे अहाँ के द्वितीय बहुमत ये, अखन अहाँ के बहुत निक टाइम ये, कोनो द्वंद्व नहीं छे देश में, कोनो मधेश में नहीं आंदोलन छे, न सशस्त्र आंदोलन छे, अई चीज से बचल अहाँ द्वितीय के बहुमत में छे, अहाँ ए चीज के सुधारू, हमर नेवी संघ नेपाल विद्यार्थी संघ से आग्रह छे, आई अहाँ के परिस्थिति एहन भए गेल छे, अहाँ सिंपल सप्तरी के देखू जे विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में आकर एमएड केला डिग्री केला सब छे, मगर उ ओकर स्तर पढ़ाई स्तर एकदम खत्म छे, बिहार आकर प्राइवेट स्कूल सब जे छे अखन आकर मतलब एकटा एसएलसी कए कर ओकरा 6000 तलब दे कर रखने छे, ओकर प्रोडक्ट निक आबे छे, आखिर कारण की छे? जब हमरा सरकार एते मतलब अहाँ के सुविधा देने छे, तलब भत्ता देने छे, अहाँ के डिग्री संग मतलब लोक सेवा से पास क्या के आयल छे, तैयो ओतुका विद्यार्थी मतलब प्रोडक्ट निक नहीं आ रहा छे, और ओहिठमा अनुशासन पूरे हीनता छे, सब विद्यार्थी अखन अहाँ देखब गली कुची में एकदम सिगरेट में धुआं मारि रहल छे, बहुत मतलब देखे छे तब दिमाग ने काम कर छे, आवे वाला युवा ई पीढ़ी की कर सकते देश में एहन द्वंद तरफ चल गया। सही कहले कि आई काल के जो युवा छे ओकर धूम्रपान में मदरा सेवन की तरफ कने ध्यान ज्यादा गेल है, तै लेल त परवरिश के बात छे, आपस में अहाँ केहन माहौल अपन युवा के दरल छे, अपन बच्चा बाल बच्चा के अभिभावक केहन माहौल दरल छे, इहो एक बहुत बड़का फैक्टर छे प्रमाणी जी, तै लेल सरकार किछ विशेष नै कह पेते, मेन त छे अपन परिवार के अपन युवा के अपन बच्चा के लोग केना संभाले, यानी सरकारों को योगदान छे कि सरकार ओय के न्यूनीकरण करे, चाहे मदरा के होए चाहे अपन जना प्रमाणी जी कहल के जे जगह जगह अहाँ देखबे दारू के दुकान छे, दारू के साँझ होए तो देखबे युवा सब ओय तरफ अग्रसर रहे छे, तो न्यूनीकरण पर सो सरकार के तरफ से सो एक टा प्रयास होना चाहिए कि कम से कम दारू के दुकान या जे गलत चीज भरल छे ओकर सबके न्यूनीकरण होए की? नहीं ठीक गप कहलिए निर्वय जी, जे वास्तव में एमा अहाँ के परवरिशो केहन छे, संस्कार आदमी बच्चा जन्मे छे तो ओकर परिवार के ओकर गार्जियन को ओ चीज ध्यान देना छे, हाँ केहन परिस्थिति में रखना छे, छे गड़बड़ी छे अहाँ के समाज अखन बिगड़ गया छे, ठाम ठाम पर वास्तव में दारू को दुकान भए गया छे, खुला आम भए गया छे, ई है छे कम सरकार नियंत्रण ए चीज पर करते, अहाँ ठाम ठाम पर या कोनो एकटा सिस्टम से राखबे, कोन ठमा दारू के अथी रहते काउंटर रहते, एकटा सिस्टम छे, सिस्टम से जेना सिस्टम वाइज मंदिर से दूर रखो, हम एहि खातिर अथी करै छियै, ठीक छै गार्जियन के तऽ छै कमी छै, मगर सरकारो के ई कमी छै जे अहाँ अपन ओ अथी नहीं देखा, व्यवस्थित करियो, व्यवस्थित करियो, हाँ जे गलत छै ओकरा न्यूनीकरण करियो, ओकर लगा प्रयास करय पड़तै सरकार के, तै लेल करय पड़तै सरकार से से अखन जी प्रभाजी अपने कहले के तो बेरोजगार के सोह बहुत बड़का समस्या छे, तेल के युवा के देखबे ओनाहि काल टाइम पास करत छै, तो ताश के पता न कोई राजनीति में कोई अलग अलग विभिन्न अपन टाइम पास करत रहै छै, त एकटा बेरोजगारी एक बहुत बड़का समस्या छै, तै के वजह से नेपाल से बहुत ज्यादा संख्या में अपन युवा
विदेश के तरफ पलायन करे छे, कोई सऊदी जाए छे, कोई मलेशिया जाए छे, कोई अमेरिका जाए छे, अलग अलग जगह कमाए छे। ई पलायन के समस्या की लगे, पलायन से युवा के प्रगति भ रहल छे या देश के नुकसान भ रहल छे? एहि विषय में बेरोजगार युवा सब विदेश पलायन भ रहल छे, एकर कारक एतका सबसे पहले का शिक्षा छी, हमरा विचार छी। अखन जे शिक्षा शिक्षा के अलावा रोजगारो न हिसाब से रोजगार सरकार देवे असक्षम साबित भ रहल छे। शिक्षा जे किसिम से रहते वही अनुकूल के ना रोजगार होना चाहिए। अखन का शिक्षा जे छे से पढ़ के माइकलियर बैग में विद्यार्थी रखे छे, वही से फाजिल के शिक्षा नहीं छे। मान लिया नेपाल में यदि कृषि के बारे में पढ़ाए हेतिये राजविराज के विद्यार्थी के लिए की कहे छे, मधेश के खेत के बारे में पढ़ाए थी, एतका कुकरा पालन के विषय में पढ़ाए थी, एतका सिलाई कटाई के विषय में पढ़ाए थी, एतका समाज निर्माण के विषय में पढ़ाए थी, राजनीतिक शास्त्र भूगोल और शास्त्र के विषय में अत्यधिक पढ़ाए थी, एतका समाजीकरण की चीज से ते विषय में पढ़ाए थी से नहीं हुई। मतलब तकनीकी पढ़ाई होना चाहिए, सिलेबस जो है अखन का जो है शिक्षा नीति जो है नीति का विषयगत हिसाब से भी इतना जो करिकुलम है पाठ्यक्रम जो है से गड़बड़ है। पाठ्यक्रम ओहन बनवे पड़े जे एतका धरती पर एतका अवस्था माटि पानि में कौन पाठ्यक्रम के पढ़ेबे की पढ़ेबे जे व्यवहार में लागू हेतै। हमें आप पढ़लिए व्यवहार में लागू है, हमरा रोजगार से जुड़ल स्थान रहना चाही। आ की कहै छै पढ़ के जाइ छियै घर फोर जे छै से प्लास्टिक में पोका में बान्है छै आ तीन तल्ला पर से रोड पर खसबै छै, ई अवस्था छै। तो सफा रहना चाहिए रोड पर, अहाँ पर फेंके छी तऽ सारा समाज दुर्गन्धित भ रहल छै। किताबी पढ़ाइ तऽ हमरा पढ़ै छै लेकिन ओकरा प्रयोग में नहि लाबै छै, मानसिकता के बदलाव पड़तै सर। मानसिकता के बदलाव पड़तै। दोसर बात ई जे बेरोजगार के समस्या छै एकरा सरकार वातै एकेबेर ब्लॉक कर देतै तैसे नहि हेतै, एकरा एकटा सिस्टम में ब्लॉक करे पड़लै या एकरा न्यूनीकरण करे के लेल एकटा आधार बनबे पड़लै। पहिले अब युवा सबके जेना हमें एक युवा छी, हमरा सरकार या कोनो सुविधा देलके 10 लाख रुपया देलके दै छै, एकटा व्यवसाय हिसाब से नहि हेतै, एकटा सामूहिकीकरण समाज में निर्माण करे पड़लै। युवो सबके अपना आप ऊर्जा लिए पड़लै, 5 लाख रुपया के ऋण देतो के बात छै या नहि छै अपना आप में वातावरण बनबे पड़लै। आब युवा सबके जे हम विदेश जाइ छी 1 लाख रुपया खर्चे छै, 10 टा युवा यदि 10 लाख रुपया लगानी करबै, नेपाल में अधिकांश लोग की कहै छै हमें देख रहल छियै की कहै छै हमे संपुष्ट नहि छियै और 70 में 5 लाख जती जनता छे तो 2 लाख लोग की कहे छे डेली शैम्पू नहाय छे और 5 वाला शैम्पू नहाय छे। हमें देख रहल छे और 5 वाला शैम्पू के दाम 50 पैसा पे लिखल रहे छे, इंडिया से लाबे छे। हम देखे छे हमरा आगे देश में हर्बल छे जबकि ओकर साइड इफेक्ट छे, उपलब्ध छे हर्बल लेकिन हर्बल के शैम्पू बनबे ले नहीं तैयार छे। हमें एकटा वातावरण नहीं छे, मतलब 10 लाख रुपया लगानी करके तो कर सके छे। हमें आप पानी के पानी एक पर्याप्त भेटे छे, कल के पानी एक फिल्टर करके बेचे छे, एक जे छे से एक प्लास्टिक के बोतल हमें यहाँ जे छे से सिर तोड़ के पानी पी के एकदम सिंपल तरीका से फेंक दे छे, ओकर कोनो काम नहीं। यदि युवा सब एक वातावरण बनावे, हम कनी दिन हमरा सब एक दूसरे साथी कैंपस टाइम में सलाह करने रही, ये बोतल यदि फेंक दे छे मैंने सीले का नहीं बिगड़े छे, ओकर यदि एक सूचना करल जाए बोतल अहाँ सब 20 रुपया में किने छी पानी के बोतल, अहाँ 1 रुपया में बोतल के सुरक्षित राखू, सेफ से राखू, यदि बोतल सुरक्षित भए जाए सेफ भए जाए तो ओ जे छै से समाज फोहरो नहि हेतै आ वएह बोतल फेर जे छै से युवा सब सदुपयोग सेहो कए सकै छै या प्रयोग के हिसाब से लए जा सकै छी। तकर बाद अहाँ सामूहिकीकरण में 10 लाख रुपया में तो छोट नाम आब धर्म के आधार में भी हिन्दू राष्ट्रीय विभिन्न पर्व त्यौहार सेहो होइ छलै, अखन धर्मनिरपेक्ष भए गेलै तैयो भी धर्मनिरपेक्ष होय के हिसाब से भी पूजा पाठ हिंदू धर्मावलंबी तो करे छे, विभिन्न अगरबत्ती सनक चीज जे छे से हमें यहाँ इंडिया से मंगबे छे, इंडिया में 10 रुपये दे छे ना 20 रुपये आदमी बेचे छे, विभिन्न तरीका से हमें यहाँ छोट छोट उद्योग धंधा तो चला सके छे लेकिन चलबे के लिए एक वातावरण नहीं होय छे। दोसर बात युवा सबके हमरा सबके जे उम्र में छे अखनका पीढ़ी में ऑर्गेनिक गड़बड़ छे, जेना हमरा सबके बाल्यकाल के अवस्था में हमरा सबके माय बाप जे छै से साँझ में कमती में खाए खाना खाए टाइम में संगे बैठाबे और पूछे बात है जे बच्चा भरि दिन कतौ गेल रहै की करली केना करली, एकटा संस्कार सिखबै वाला बात रहै। अखन जे छै से एकटा
माय एक बाप से बिहान उठे छे, बाप के एक ड्यूटी रहे छे, समय कते अभाव भ गेलै आदमी के, जे बच्चा के चाहे बच्चा कखन डबल भ जाए और जे छे से हमरा से साइड लग जाए, बच्चा के संस्कार की देते, स्कूल चल जाए, कमती में स्कूल जाए छे, वो तो की पढ़ेते, एक टीचर 45 मिनट में एक से विद्यार्थी के की पढ़ेते, वो होमवर्क देते कि ओकरा पढ़ेते कि ओकरा चेक करते कि वो एनवायरमेंट। दोसर बात छे शिक्षको ई नहीं बुझ रहल छे कि बच्चा हमर छे, हमरा पढ़े पड़ते, कारण वो अपन बच्चा वो स्कूल में नहीं पढ़े छे। अखन का सामुदायिक विद्यालय के जो अवस्था है, वो सामुदायिक विद्यालय में जे छे से शिक्षक अपन बच्चा के खास करके अपना स्कूल में नहीं पढ़े, जबकि ओकरा ई नहीं था छे जे हम अपनो बच्चा के हम सही शिक्षा दे सके छी कि नहीं दे सके छी, ओकरा अपना आप दृढ़ता नहीं छे तो ओकर बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। शिक्षा तो एक बहुत बड़का समस्या है, परवरिश हम सब केहन दे रहल छी अपन युवा के, अपन बच्चा के, बच्चा वह काल के जाकर युवा हेतै और जे देखते जे समझ नहीं हेतै वह आगे फॉलो अप करे छै। एक बात में हम कनी कहि चाहे छी निर्भय जी, जी जे मतलब आइ कल जे समय में जे छे जे बच्चा के साँझ में समय नहीं दे रहल छे जी, तक एकटा कारण की छे जे अपन समाज में पहिने आप देखे देबे जे मतलब वॉलीबॉल खेले, फुटबॉल खेले, साँझ के टाइम में एकटा जब स्कूल से अथी है तो गार्जनो सब जे रहे जे फ्री टाइम है 4 बजे के बाद जब गार्जनो सब फ्री भए जाए तो ओहिठमा जाके एकटा अपनो से वॉलीबॉल खेले, धियो पुतो खेलाबे, तेहन एनवायरमेंट रहे। तहिया की रहे अहाँ के मदिरा सेवन बहुत कम थे, के तो ठाम ठाम पर ओते मदिरा उत्पन्न नहीं छले, दुकान नहीं छले, तो बाकी टाइम की लगबे तो अपना धियापुता जर समय खेल में बिताबे। अखन अहाँ के की भए गेल छे, खेल तो साफे खत्मे भए गेल, खेल तो कतौ पर रहिए नहीं गेल, मोबाइल पर टिकटॉक कोनो देखलक, मोबाइल पर खाना सब लागल रहल, मोबाइल पर रहले तो रहले, नहीं तो बच्चा कार्टून देखे छे, कनी कला अपन देखलक। अखन अहाँ के बच्चा के खेलबै के ओकरा मौका नहीं भेट रहल छै गार्जियन सब, बिल्कुल सही बात, इहो एकटा बहुत अथी छै कि अगर ई चीज के युवा अगाड़ी बढ़ाबे तो ई चीज बहुत निक रहतै। और सरकार से सेहो हम विनम्र अनुरोध करबै जे अहू ए चीज पर अति अहाँ ध्यान दियो। हमर साथी आयल छै परमानी जी, हुनकर एकटा दल से अति सरकार बनल छै, अहाँ अपन संगठन ई बात राखू जे अहाँ की कमती में साँझ के टाइम 4 बजे के टाइम से एकटा खेल मैदान बनायल जाए, शॉपिंग मॉल टाइप के एकटा जे सरकार हिसाब से जे छै एकटा फुगल जाए, सिटी सेंटर सब जे रहै छै एकटा ते हिसाब से खोलल जाए, बैडमिंटन क्रिकेट सब के एकटा अथी बजट तरफ जाए, और गार्जनो फ्री टाइम जे वो पसंद में बिताबे छे से वो वहां के खेलकूद में बितेते, और वैसे की हेते एनवायरमेंटो और बच्चा के संस्कारो बढ़ते, हमर विचार से जी। तो ऐ तरहक अवस्था में जे हिसाब से लैंगिक एगो सेहो युवा में अहाँ के लेडीजो होइ छे, जेंट्सो होइ छे, युवा में इहो देखल गेलै हन कि लैंगिक हिंसा सेहो होइ छै, तऽ ई लैंगिक हिंसा के रोके लेल जेना बेटा के प्रति ज्यादा मोहमाया रहल, बेटी के प्रति कनी कम रहल, या बेटी के लगाव जे छै माँ से ज्यादा रहल, बेटा से कम रहल, तऽ ई जे लैंगिक हिंसा जेना ऑफिस कार्यालय में देखबै तऽ लेडीज के उत्प्रेरणा ज्यादा होइ छै, शोषण ज्यादा होइ छै, ई लैंगिक हिंसा सबके समस्या केहन देखै छै अपने देश में? तिरवे जी अगर ई गप कहबे तो पहिने से ई चीज में सुधार तैयार छै, अखन के लैंगिक वाला में यह महिला वाला गप करबे तो अहाँ के अखन प्रत्येक अहाँ के कार्यालय में अहाँ के बराबर देखबे, जते पुरुष के अथी छै तते महिलो के जमात देखे छी, अहाँ के अखन डॉक्टरे के सिलसिला में जाय छियै तो जते डॉक्टर एठमा पुरुषो छै तो महिलो छै, इंजीनियरों में बढ़ोतरी आयल छै महिला प्रति, तो ई चीज से पहले से अखन के चीज में हमरा हिसाब से बढ़ोतरी छै जी जी। अपने सब अखन सुन रहल छी परिवर्तन में, समाज के जो परिवर्तन में युवा के की भूमिका छै, आइ पर हमारे साथ अतिथि छथि सामाजिक अभियंता एवं विद्यार्थी नेता देव नारायण परमानी जी, और नेपाल विद्यार्थी संघ से सप्तरी के सचिव विजय कुमार यादव जी। बात कम सिलसिला को और आगे बढ़बे छी, अपने के की प्रमाणी जी लागे छी कि लैंगिक हिंसा के की अवस्था छै प्रदेश दुई में, खास कर देखे छी सरकार लगातार आके कार्यक्रम सो चलबे छै, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सो चलबे छै, ई सब जे कार्यक्रम छै कतेक सपोर्ट करे छै लैंगिक विभेद के रोके में?
सरकार के एक प्रोग्राम सब जे लेकिन लैंगिक हिंसा के सवाल में यदि हमरा पूछे तो खास करके समाज ने प्रतिशतात्मक समाज के रूप में अभ्यास भ गेल छे शुरू से अखन आब एकरा एक बेर ब्रेक लगभ के प्रयासो करे छे तो आदत लाग गेल छे आदमी के जे बेटा के बेसी प्रोत्साहन देने यद्यपि ई चीज एकदम क्लियर छे जे बेटा नेचुरली की है छे के बेटा माय से प्रेम बेसी करे छे बेटी बाप से बेसी प्रेम करे छे ई अहाँ के नेचुरली बात नेचुरली छे लेकिन होय छे कथी बेटी के जब अहाँ के एक बारह वर्ष जगर बाद अहाँ के एक ओकरा जवानी के पीरियड आबे छे अहाँ के मेंस्ट्रुएशन पीरियड जब खुल जाए छे जब ओकर गोप्य अंग सब विस्तार भ जाए छे तकर बाद जे छे से ओ अहाँ के फादर से कनी दूरी बढ़वे लगे छे कारण ओकरा बहुत चीज गोप्य चीज फादर के कहले जे ई समाज में पर्दा सिस्टम जे हमरा अहाँ के प्रदेश नंबर दुई में या मधेश में और बेसी पर्दा सिस्टम के एकटा छे एकटा सामाजिक कल्चर हो जे छे से हमरा अहाँ के नेपाले भर में कहियो जे हमरा से पर्दा सिस्टम रहे वाला अवस्था सोचे ओ जे छे से अपन समस्या भी लुका के जे छे से अहाँ के फादर के कह लेने चाहे छे दोसर बात मदर जे छे से घर व्यवहार में अहाँ के पुरानी के हिसाब से घर व्यवहार में मदरे के देखे प्रति एक सामाजिक विकास अपना सबके संरचने बन गेल छे जे आब कपड़ा धोए वाला काम की कहे छे महिले के करे पड़ते हम जेबे कपड़ा खोल लेबे आयरन कर देते हमर श्रीमती आयरन कर देते हमर बेटी आयरन कर देते हमर बहन आयरन कर देते हमरा कपड़ा लगाते हमर झोला में पैक कर देते हम कतो जेबे ई एक एनवायरमेंट छे या हमर शर्ट पैंट यदि की कहे छे हमर श्रीमती धोई सकैए हमर श्रीमती बिरामी पड़ गेले ओहि अवस्था में श्रीमती के एक की कहे छे दुपट्टे जे छे से हमरा धोए दिए पड़ते तो तखन हम श्रीमती के दुपट्टा क्या धोए देबे या हमर बेटी बिरामी पड़ गेल छे ओकर कुर्ता सरवाल धोए देबे तो वो हमरा लाज के विषय हेते ई अवस्था जे छे से इस समाज में विकास भेल छे लेकिन एना हेने से अवस्था ठीक नहीं हेते कारण अहाँ के एक महिला कहे लोग सोचे में छे अहाँ के बच्चा अथी श्रीमान की करे तो काम कर रहा है श्रीमती की करे तो कुछ करे छे घरे में रहे छे घर में रहे छे तो बहुत चीज करे छे पूजा पड़े एक श्रीमती घर में रहे छे वो बच्चा के सहारे छे वो की कहे छे खाना पकवे छे वो बारह बर्तन धोए छे वो कपड़ा धोए छे वो सारा चीज मैनेजमेंट कर छे घर व्यवहार देखे छे और अहाँ जे बाहर से लाबे छे तक स्टोर करके सोहर रखे छे सारा जिम्मेवारी वो तो पूरा करे छे अहाँ कहे छे कुछ और करे छे एक टा लेडीज सुते बाहर बाकी टाइम हरदम ड्यूटी करे छे बरू ताश खेले लेने जाए छे वो कोनो चौक पर जाके गप करे के ओकरा नहीं भेटे छे वो बाजार हटिया जाए नहीं पावे छे तैयार हटिया जाए छे जे या कोनो विवाह वर्तु नहीं छे वो तैयार हटिया जाए पावे छे जब ओकरा किचन में कोनो मसाला घट जाए छे श्रीमान ने लाब दे छे वो तैयार हटिया जाए पावे छे जब ओकरा कोनो नया गेस्ट आवे छे त माछा मासु लाबे ले मजबूर भए जाए पड़े छे ई अवस्था में जे छे से ओकरा जे छे से हमरा के सामाजिक संस्कार ही शुरुआत से ही चलल छे यद्यपि एकरा अब चेंज भ रहल छे बापुस्ता से अखन आब पुरुषो जाके किचन में बैठ के खाना पका दे रहल छे श्रीमान श्रीमती संगे रहे छे बढ़िया वातावरण तैयार तैयार भ रहल छे सरकारो जे छे से एक आंदोलन के उपलब्धि हमरा सबके जन आंदोलन के उपलब्धि लोकतांत्रिक आंदोलन के उपलब्धि गणतांत्रिक आंदोलन के उपलब्धि मधेश आंदोलन के उपलब्धि विभिन्न आंदोलन द्वारा जे छे से विभिन्न उपलब्धियों सब जे एकटा सत्ता में साझेदारी समाज के विभिन्न विकास निर्माण में साझेदारी महिलाओं के दलितों के आदिवासियों के पिछड़ियों के क्षेत्र के सबके समेट के जाए वाला इन्वायरमेंट सरकारी दिशा से जा रहा है अखन जे अहाँ प्रश्न कर लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जी कार्यक्रम छे अब बहुत विषय एहनो छे जे एक संरचना में की दिमाग में सोच भ रहा छे जे हम आए एत इंटरव्यू हम बाहर रहा छे युवा दिश से तब हमार इंटरव्यू सुने में के ध्यान देते जे अखिल क्रांतिकारी से जुड़ल छे पूर्व अखिल क्रांतिकारी से या अखिल से अखन जुड़ला जे साथी छे या हमरा संगे साथी भाई जे जुड़ल छे उतने आदमी ध्यान देते तब जे छै से तही अवस्था छे वा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लेकिन ओ तो जे छै से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में हमरा सबके मुख्यमंत्री जी के अभियान शुरू भेलैया ओ मुख्यमंत्री जी प्रोग्राम तो
लग गए समाज में कि हमारा नहीं बोल गए हम कथी जेबे लेकिन कुछ युवा सबके ध्यान रखे पड़ते जे समाज के निर्माण के विषय में निक काम के विषय में अपनो चेतना रखे पड़े यदि वो तो बिगड़ रहा है तो वो तो हस्तक्षेपो करे पड़े जाबे समाज में युवा सब जाय के हस्तक्षेप नहीं करते और सत्ता के प्रयोग नहीं कर पड़ते कारण आदमी के दुईटा नेत्र है एक बाहर के नेत्र जे अपन खेत खलिहान विभिन्न इष्ट मित्र पर काम काज में राखो लेकिन भित्री इच्छा राज्य सत्ता की कर रहा है यदि वो पर ध्यान नहीं रखते युवा पुस्ता समाज विकास नहीं हेतु कारण हरेक चीज के ड्राइवर चाबी जे से राज्य सत्ता छे एत युवा कुछ करते और राज्य सत्ता वो तो प्रयोग नहीं कर देते विधि में नहीं ढाल देते प्रयोग में नहीं अपने के एते हम रोकब और लास्ट में युवा जे छे युवा देश के शक्ति छे कोनो देश के शक्ति युवा जे चाहते से चीज संभव छे बस अपने के ओई मानसिकता ओई वातावरण का काज करब पड़ते तो अपने सब सुन रहल छलिए कि समाज में युवा के की भूमिका होय छे आई साथ ई चर्चा पर हमरा साथ छलथि विजय कुमार यादव जी जे नेपाल विद्यार्थी संघ से सप्तरी के सचिव छथिन साथ में सामाजिक अभियंता विद्यार्थी नेता देव नारायण परमानी जी वास्तव में युवा के जे भूमिका छे समाज के परिवर्तन से लाके देश के परिवर्तन में अग्रणीय रहले हैं और शुरुआत से ही इतिहास रहले हैं कि युवा जे चाहते से संभव छे बसरते की ओई वातावरण में ओई माहौल में काम करके देश के लिए आगे बढ़ सके निर्भयकरण के आप इजाजत दिया फिर मिलो अगला कार्यक्रम में तब तक के लिए नमस्कार प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट Press the bell icon on the...